आप या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते होंगे, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे, या तो म्यूचुअल फंड में SIP करते होंगे। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले धन डीमैट अकाउंट की। इस वीडियो में आपको बताऊंगा धन डीमैट अकाउंट में शेयर को किस तरीके से खरीदा जाता है, शेयर को किस तरीके से बेचा जाता है। इस वीडियो में मैं धन एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू देने वाला हूँ। अगर आप धन एप्लीकेशन फर्स्ट बार चला रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप धन एप्लीकेशन कम्प्लीटली सीख जाओगे, धन एप्लीकेशन किस तरीके से यूज़ की जाती है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप डीमैट अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में धन एप्लीकेशन के लिंक दिए, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको धन ऐप को कैसे यूज कर सकते हो, धन ऐप्स के जो जो फ्यूचर है मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं मैं उस तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप धन ऐप बहुत ही ईजी तरीके से सीख जाओगे कि धन ऐप कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी धन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं इस ऑप्शन पर जहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑप्शन। यहाँ पे आपको अपने जो भारत के जो शेयर मार्केट है उसके सारे इंडेक्स दिखते हैं, जैसे निफ्टी 50 दिखता है, निफ्टी बैंक दिखता है, फिन निफ्टी दिखता है, इंडियन विक्स दिखता है, निफ्टी मिड कैप दिखता है, या निफ्टी 50 नेक्स्ट दिखता है, या निफ्टी दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिखते हैं। अगर अपन लास्ट में आएंगे तो लास्ट में आपको दिखता है होम का, वॉच लिस्ट का, पोर्टफोलियो का, और ऑर्डर का या मनी का, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऊपर की साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखते हैं होम का, स्टॉक्स का, ऑप्शन का, म्यूचुअल फंड का और कम्युनिटी का। इन्हीं दो ऑप्शंस के अंदर ही यहाँ पे पूरा गेम चलता है, यहीं पर आपकी पोजिशन दिखती है, यहीं से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपन होम के उस पर ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडियन विक्स, ठीक है। इंडियन विक्स जो होता है वो इंडिया की जो इंडेक्स है उसकी वॉलिटी को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले नीचे जाना है। नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखते हैं ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे आप एड मनी भी कर सकते हो। और नीचे जाइएगा यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो का समझे का। अगर आपकी पोजीशन ट्रेडिंग भी चल रही है और आपने स्टॉक्स भी होल्डिंग करे वो यहाँ पे आपको टोटल ओवरऑल प्रॉफिट दिखाएगा। स्टॉक्स में अगर आपकी स्टॉक्स में होल्डिंग है वो आपको यहाँ दिखाएगा। म्यूचुअल फंड अगर आप म्यूचुअल फंड में आपकी SIP चल रही हो ये यहाँ पे दिखाएगा। ETF अगर आपने बाय किए होंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक विक्स हो गया, अगर वो ETF आपने बाय किए होंगे वो यहाँ पर दिखाएगा। अपन यहाँ पे नीचे चलते हैं। नीचे आपको ऑप्शन दिखते हैं स्टॉक्स का, ऑप्शन ट्रेडिंग का, म्यूचुअल फंड का, ETF का और कम्युनिटी का और फ्यूचर्स का, ठीक है। अगर मैं स्टॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो स्टॉक्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आपके ऊपर ऑप्शन दिखते हैं टॉप गेनर, टॉप लूजर, 52 वीक हाई, ठीक है। टॉप गेनर का मतलब ये होता है कि आज के दिन जो स्टॉक्स ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, जो कि पॉजिटिव है, वो यहाँ पर आपको टॉप गेनर में दिख जाएंगे। टॉप लूजर में आपको दिख जाएंगे कि यहाँ पे आपने जो जो आज के दिन जो लॉस में चल रहे हैं, जो नेगेटिव ओपन हुए हैं, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, मैं यहाँ पे आपको शेयर को खरीदते कैसे हैं, शेयर को बेचते कैसे हैं, वो सब कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। 52 वीक पे हाई जाएंगे तो एक साल के अंदर अंदर जो स्टॉक सबसे हाई पे खड़े हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। 52 वीक लो पे जाओगे तो जो एक साल के अंदर जो लो पे खड़े हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। बाय वैल्यू पे जाएंगे तो जो अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हैं, जैसे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये काफ़ी अच्छे वैल्यू पे मिल रहे हैं आपको, तो यहाँ पे आपको ये रिकमेंडेशन कर रहा है, ठीक है। जो वीडियो बना रहा हूँ मैं केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। मेरा कोई दावा नहीं है कि आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो। ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले बात कर ले। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है। ये ऑप्शन आपने देखे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे फिर नीचे जाना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो जिसमें सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, वो ऑप्शन यहाँ पर दिखते हैं। जैसे यहाँ पे फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी में बता देता हूँ, तो फिन निफ्टी में यहाँ पर जो ज़्यादा ट्रेड चल रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर निफ्टी 50 दिख रहा है, आपको निफ्टी इंडेक्स दिख रहा है, फिन निफ्टी दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको इंडेक्स दिख जाते हैं। नीचे जाइएगा आप तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है इंडेक्स ऑप्शन चेन का, ठीक है। आप यहाँ निफ्टी 50 देख सकते हो, निफ्टी बैंक देख सकते हो और फिर निफ्टी देख सकते हो। अगर मैं आपको इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन आपको ओपन हो जाएगी। ऑप्शन चेन के बारे में बहुत बड़ी डिटेल होती है, मतलब इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन चेन एनालिसिस आपको आना चाहिए। अगर ऑप्शन चेन एनालिसिस पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ऑप्शन चेन पे वीडियो बनाओ तो मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है।
अब यहाँ पे अपन समझते हैं ओआई गेनर, ओआई लूजर, प्राइस गेनर एंड प्राइस लूजर, ये चार ऑप्शन दिखते हैं डिस्कवर पे। जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हैगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो सबसे ज़्यादा लोअर पे होगा ये सबको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अगर बेसिक सीखना है तो मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे आपके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो अपन इसको बैक कर देते हैं। ETFs में जाएंगे तो जो टॉप ETF है अपने भारत के वो आपको दिख जाएगा, जैसे निपोन ETF हो गया, ICICI सेंसेक्स ETF हो गया, क्वांटम का ETF हो गया, कोटक का ETF हुआ। ETF काफ़ी अच्छे होते हैं। अब ETF के ऑप्शन में अपन ने क्लिक किया है, यहाँ पे डेप्ट यानी कि आपको बॉन्ड भी दिख रहे हैं, बॉन्ड यहाँ पे गोल्ड के दिख रहे हैं, ETF आपको ग्लोबल ETF दिख रहे हैं। ग्लोबल ETF यानी कि जो अपनी इंडियन कंट्री के अलावा, जैसे US के ETF हो गए, चाइना का ETF हो गया, ऐसे कंट्री के ETF आपको यहाँ दिख रहे हैं। बॉन्ड के जो ETF है वो यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहे हैं। फिर अपन बैक कर देंगे, बैक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे कम्युनिटी के ऑप्शन पे आएंगे। कम्युनिटी में जो भी ट्रेडिंग हो रही होगी फ्यूचर में, जैसे क्रूड ऑयल दिख रहा है आपको, कम्युनिटी में मेटल्स में ट्रेडिंग होती है, एनर्जी सेक्टर में ट्रेडिंग होती है और बहुत सारी चीज़ों में ट्रेडिंग होती है, ठीक है। मैं क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल में यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, जिसमें क्रूड ऑयल में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है वो आपको यहाँ दिखाई पड़ता है। नेचुरल गैस की मैं बात करता हूँ, नेचुरल गैस को आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, नेचुरल गैस पे यहाँ पे जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो आपको इस सेगमेंट में दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाते हैं। मैं सिल्वर मिनी पे जाऊँगा तो सिल्वर मिनी के अंदर जो भी ट्रेडिंग हो रही होगी वो आपको यहाँ दिखाई देगी। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन पर फिर होम पे चल जाता हूँ, होम पे भी मुझे स्क्रॉल डाउन करना है फ्यूचर पे। यहाँ पे आप फ्यूचर बाय कर सकते हो, फ्यूचर जो होता है मंथली होता है, ठीक है, मंथली के हिसाब से आप बाय कर सकते हो। अक्टूबर का फ्यूचर दिख जाएगा आपको, नवंबर का फ्यूचर दिख जाएगा और दिसंबर का फ्यूचर दिख जाएगा। लास्ट मंथ की जो भी गुरुवार की एक्सपायरी आती है फ्यूचर की लास्ट डेट वही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन नीचे आएंगे, नीचे आपको मोर फॉर मार्केट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप IPO में ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑल इंडेक्सेस का ऑप्शन दिख रहा है और न्यूज़ का ऑप्शन दिख रहा है। वीडियो काफ़ी लंबी बनेगा लेकिन आप यहाँ पे पूरा सीख जाओगे कि धन ऐप में क्या क्या फ्यूचर मिलते हैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए। हर फ्यूचर को मैं एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, लास्ट में आपको खरीदना, स्टॉक को कैसे खरीदते हैं, स्टॉक को कैसे सेल करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। वो साथ साथ में आपके इसमें एक फंड ऐड करूंगा, उस फंड को भी आप देख सकते हो किस तरीके से ऐड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको IPO पे जाओगे तो जो भी लेटेस्ट IPO आने वाले हैं, जो IPO ओपन है, जो भी अपकमिंग है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फिर आप बैक पे क्लिक कर दीजिएगा, बैक पे नीचे आएगा ऑल इंडेक्सेस, इसका मतलब ये होता है कि जो बाहर की कंट्री के जो भी इंडेक्स हैं वो क्या चल रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव, जैसे अमेरिकन मार्केट हो गया, ये यूरोप मार्केट हो गया, ये एशिया मार्केट हो गया, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिख जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको होम पे वापस आ जाएंगे, होम पे आने के बाद यहाँ पे न्यूज़ पे आप जाओगे तो न्यूज़ पे आपको ऑप्शन दिखते हैं, जो मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ आज के दिन में आई है उनका जो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। ट्रेडिंग में जाओगे तो ट्रेडिंग में भी जो जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग, जो सबसे ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं वो आपको यहाँ दिख जाएगा। इंडेक्सेस तो यहाँ इंडेक्सेस आपको दिखा दिए, रिसेंट आपको यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब वापस होम पे जाएंगे अपन तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन थे, जो मेन ऑप्शन थे मैंने आपको उसको एक्सप्लेन कर दिए। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो यानी कि अगर आप पोजिशन बना रहे हो और थोड़े बहुत 10.5 पॉइंट पे उसको एग्जिट कर लेते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए है स्कैल्पर का। आप यहाँ पे लाइव स्कैल्पिंग कर सकते हो, तो मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। अब अपन ने होम वाले ऑप्शन को जो है वो सीखा है। अब यहाँ पे अपन स्टॉक्स पे जाएंगे, स्टॉक्स में जो भी स्टॉक्स में आप देख सकते हो, स्टॉक्स में आपको दिख रहा है वोडाफोन आइडिया, टाटा स्टील, टाटा फिल्म्स और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। ट्रेडिंग फॉर धन, वोडाफोन आइडिया दिखता है, टाटा स्टील दिखता है और बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं स्टॉक्स के सेगमेंट के अंदर। आप मोर ऑप्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉप मार्केट मूवर यानी कि जो मार्केट में अच्छे खासे गेनर स्टॉक्स हैं वहाँ आपको यहाँ पे दिखते हैं। टॉप लूजर स्टॉक्स भी आपको यहाँ दिखते हैं। तो यहाँ पे वन ईयर पे जो हाई चल रहा है, वन ईयर पे टू जो लो चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा आज किसकी एक्सपायरी वो आप देख सकते हो, फिन निफ्टी की यहाँ पे आज के दिन एक्सपायरी है। एक्सपायरी अगर यानी कि यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो वीकली एक्सपायरी चलती है इंडेक्स में, तो यहाँ पे लास्ट दिन है फिन निफ्टी का एक्सपायर होने का, तो वो आज आपको यहाँ पे दिखा रहा है एक्सपायर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है ऑप्शंस के अंदर वो आपको दिख रहा है निफ्टी 50 में हो रही है, BSE में देखा जाए तो सेंसेक्स में हो रही है, स्टॉक्स में देखा जाए तो टाटा मोटर्स में, रिलायंस में आज के दिन ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है।
ऑप्शन चेन मैंने आपको एक्सप्लेन किए दे रहा है, यहाँ पे ऑप्शन चेन देख सकते हो, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की, सेंसेक्स की और बैंक एक्स की, यहाँ पे आप ऑप्शन चेन देख सकते हो। या आप ओ आई मूवर यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो किस जगह ज़्यादा डाउन हो रहा है, ज़्यादा हाई हो रहा है, वो यहाँ पे देख सकते हो। ओ आई मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये थोड़ी बहुत हाई लेवल की चीज़ें होती है, तो यहाँ पे मैं बिगनर लेवल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको मैन मैन चीज़ें दिखा देता हूँ कि धन ऐप में आप कैसे क्या किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, धन ऐप को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे आप ऑल ऑप्शन आते हैं म्यूचुअल फंड्स का। अब यहाँ ले अपन आते हैं म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में। म्यूचुअल फंड के ऑप्शन में आपको देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी 50, सेंसेक्स दिख रहा है, ये अपने भारत के इंडेक्सेस है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको यहाँ पोर्टफोलियो पर दिखेगा। अगर इन्वेस्ट टू डायरेक्ट म्यूचुअल फंड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाई रिटर्न पे मैं क्लिक करूँगा तो जो जो म्यूचुअल फंड ने हाई रिटर्न दिए है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे आपके सामने। जैसे मैं निपोन इंडिया पे यहाँ पे देख सकता हूँ, तो इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न दी है 5 ईयर्स के अंदर। मैं आपको केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, सिखाने के पर्पस से। इसका स्टार रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्ट पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से SIP कर सकते हो। अगर आपको SIP करना नहीं आता है तो उस पर मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको लाइव दिखूंगा SIP किस तरीके से कर सकते हो। ये जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड भी होते हैं, मिड कैप म्यूचुअल फंड भी होते हैं। शेयर मार्केट बहुत बड़ी फील्ड है, आप इसे एक बार में नहीं सीख सकते। अगर आप इसे टाइम दो तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स फंड होते हैं जो कि इंडेक्स से मिलकर बना होता है, जैसे निफ्टी हो गया 50 कंपनियों से मिलकर बना है। तो 50 कंपनियों के जो जो म्यूचुअल फंड है, जो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड आपको यहाँ दिख जाएंगे। टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड आपको यहाँ दिख जाएंगे, लिक्विडिटी रिलेटेड फंड आपको यहाँ दिख जाएंगे। अब मैं यहाँ पे नीचे जाऊँगा, जो यहाँ पे आपको डिस्कवरी का, बाय का, कैटेगरी का, टैक्स सेवर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ये बहुत बड़ी म्यूचुअल फंड के रिलेटेड एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी जो डिटेल है, मतलब इस बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी इसमें अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो। अब कॉमोडिटी में होता है जो मेटल होता है, क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड सिल्वर हो गया, वो इसमें वर्क होता है। जैसे आज के दिन देखेंगे तो क्रूड ऑयल का आपको इंडेक्स दिख रहा है फ्यूचर का, जो डाउन साइड खुला है, नेचुरल गैस का, गोल्ड का, आपको यहाँ सिल्वर का दिख जाता है। क्रूड ऑयल के ऑप्शंस आपको यहाँ दिख जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। मेटल्स में आपको दिख जाता है गोल्ड का, सिल्वर का, गोल्ड मिनी का। जैसे गोल्ड होता है ना, गोल्ड का छोटा गोल्ड मिनी होता है, जो सिल्वर होता है, सिल्वर का छोटा सिल्वर मिनी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख जाते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी बनेगा, थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को सीख लिया तो ये धन ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हो, धन ऐप किस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो, आप सीख जाओगे। तो ऊपर वाले जो ऑप्शन है अपन ने एक्सप्लेन कर लीजिए कि किसमें क्या है। अब नीचे वाले ऑप्शन पे जाते हैं। नीचे वाले पे होम पे आप हैं, वॉच लिस्ट पे। वॉच लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी स्टॉक्स को देखना चाहते हो, लाइव वॉच करना चाहते हो, तो आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे क्लिक करता हूँ। बजाज फाइनेंस पे क्लिक करने के बाद मुझे नीचे ऑप्शन आते हैं स्टार्ट SIP का, अलर्ट का या वॉच लिस्ट। तो जो बजाज फाइनेंस है उस वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो वॉच लिस्ट में बजाज फाइनेंस ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप वॉच लिस्ट बना सकते हो, ऐड इन कर सकते हो और बहुत सारे चीज़ें कर सकते हो। आप पोर्टफोलियो में जाऊँगा, पोर्टफोलियो में आपको ऑप्शन देखते हैं स्टॉक्स का, म्यूचुअल फंड का। यहाँ पे आप जो भी ट्रेडिंग करोगे, जो भी पोजीशन बनाओगे, वो आपको यहाँ पे लाइव दिखेगी। जैसे मैं स्टॉक को खरीदूंगा, बेचूंगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑर्डर में जाऊंगा तो जो जो आपने ऑर्डर लगाए हैं, जो जो ऑर्डर आपके रिजेक्ट हुए हैं, जो जो आपकी पोजीशन चल रही है ऑर्डर में चल रही है, जो जो आपके ऑर्डर रिजेक्ट हुए हैं, जो जो ऑर्डर चल रहे हैं, वो आपको यहाँ दिखेंगे। बास्केट में जाऊंगा तो मैं आप अपने अनुसार स्ट्रेटजी को क्रिएट कर सकते हो। फॉरएवर में SIP जो भी चल रही है आपकी, वहाँ पर देख सकते हो। मनी में जाओगे आप तो यहाँ पर आप देख सकते हो मनी का आपको ऑप्शन दिखता है। आप यहाँ पर जाइएगा फंड के ऑप्शन पर। फंड पे ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आप फंड किस तरीके से ऐड कर सकते हो, तो मैं आपको लाइव वीडियो में बताता हूँ कि फंड किस तरीके से ऐड ऑन होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 100 रुपीज़ आपके सामने ऐड करके दिखाऊंगा। ऐड फंड पे क्लिक करोगे आप। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद आपको एक UPI ID आएगी आपके पास में, जो फ़ोनपे की UPI ID, गूगल पे की UPI ID, जैसे भी फंड आप ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। पेस्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड मनी पे क्लिक करना है। एड मनी के क्लिक करने के बाद में ये फंड आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने धन के डीमैट के अंदर 100 रुपये को ऐड कर दिया है। मैंने लाइव आपको ऐड करना बताया कि धन में कैसे ऐड किया जाता है।
तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, तो आपके इसमें देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस जो आ जाएगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए 100 रुपये जो ऐड किया है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर मैं फ़ंड पे जाता हूँ तो फंड पे कुछ समय बाद या हाथों हाथ वो फंड आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग के लिए आपको 100 रुपीज़ दिख जाए। रिफर अर्निंग के लिए आप यहाँ पर अपनी आईडी को रिफ़र करते हो तो आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो सकती है। तो अब यहाँ पे जो जो एक्सप्लेन जो आईपीओ के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे आपने अपनी यूपीआई आईडी वगैरह ऐड कर सकते हो। तो जो जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर आप यहाँ पे प्रोफाइल पे जाओगे तो प्रोफाइल पे आपको फंड ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, प्राइस अलर्ट का ऑप्शन मिलता है, ऑल स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलता है, इनवाइट योर फ्रेंड का ऑप्शन मिलता है। तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में धन ऐप की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और अपना अकाउंट को क्रिएट कीजिएगा। मैं अगर आप मेरी लिंक से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो तो मेरी कुछ फाइनेंशियली हेल्प होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको लाइव स्टॉक को कैसे खरीदते हैं, स्टॉक्स को कैसे बेचते हैं मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अब यहाँ पे मैं एक स्टॉक को नाम लिख लेता हूँ, यहाँ पे आप स्टॉक को एक सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल सिखा रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे मैं एक VI सर्च करता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आइडिया सर्च किया, वोडाफोन आइडिया आपके सामने आ चुका है। वोडाफोन आइडिया की जो कीमत चल रही है वो 9.40 रुपये चल रही है। लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे 5 साल में देख सकते हो स्टॉक क्या चल रहा है। मैक्सिमम टाइम में आपको अगर आप उसको कैंडल में देखना चाहो तो कैंडल स्टिक पैटर्न में भी आप देख सकते हो। तो धन ऐप को जितनी भी बड़ी चीज़ें सिखानी थी मैंने, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सिखा दी। अब मैं आपको लाइव बाय करना सेल करना आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक करूँगा, बाय पे आप ऑप्शन दिखेगा, बाय पे क्लिक है। ट्रेडिंग के लिए कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हो, तो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज सेलेक्ट करता हूँ। मार्केट प्राइस पे यानी कि लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस। मार्केट प्राइस वो होता है जहाँ पे जो मार्केट रेट चल रहा है उस रेट से बाय करना चाहते हो आप। लिमिट वो होता है कि जो आप लिमिट सेट करना चाहो, जैसे मुझे 10 रुपये से बाय करना है या 8 रुपये से बाय करना है, आप लिमिट सेट कर सकते हो। टिगर प्राइस आप अपने अनुसार कर सकते हो, जैसे वो प्राइस टिगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। तो मैं इसको मार्केट प्राइस पे करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे मार्केट प्राइस पे करना चाहता हूँ। मैं एक शेयर लेना चाहता हूँ, 2 शेयर लेना चाहता हूँ या 3 शेयर लेना चाहता हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं 3 शेयर यहाँ पे बाय करता हूँ। मेरे पास में जो मैंने आपके सामने फंड एड किया था 100 रुपीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है, पर मुझे इस शेयर को बाय करने के लिए कितना मार्जिन लग रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं इंस्टेंट बाय पे क्लिक करूँगा, इंस्टेंट बाय पे क्लिक करने के बाद मुझे इस पर अग्री करना है, इंस्टेंट बाय पे क्लिक करना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका स्टॉक बाय हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पोजीशन पे जाऊँगा, तो पोजीशन पे जो मेरा स्टॉक कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, वह यहाँ पे आपको लाइव दिखेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टॉक को मैं आपके सामने मैंने बाय किया है, स्टॉक में क्या प्रॉफिट चल रहा है, क्या लॉसेस चल रहा है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मैंने कम अमाउंट इन्वेस्ट किया इसलिए मुझे लॉस प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उसके हिसाब से दिखेगा, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो मैंने ये स्टॉक को ख़रीद लिया है, आपके सामने देख सकते हो डिलीवरी पे मुझे इतना लॉस प्रॉफिट आपके सामने दिख रहा है। अगर मैं इस स्टॉक को वापस बेचना चाहता हूँ तो एग्जिट पोजिशन पर क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको सेल दिख रहा है, इंस्टेंट सेल पे क्लिक कर दूँगा, यस ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा, इंस्टेंट सेल पे क्लिक कर दूँगा, वो स्टॉक जो रहेगा वो सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से धन ऐप के अंदर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट इस प्रोसेस से कर सकते हो। मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो धन ऐप के अंदर आपको एक्सप्लेन करके दिखा दी। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जो जो वीडियो अपलोडेड है उस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।